कितनी गर्मी है ना? लेकिन आजकल तो सर्दियों का मौसम है। मगर पता नहीं मुझे क्यों इतनी गर्मी लग रही है। एसी चला दो, कहाँ है? एसी नहीं है, हमारा दिल ही हमारे लिए एसी है। सच कह रहे हैं। पानी पी लीजिए। अरे रे, मगर ये ठंडा नहीं है, शायद आपको फ्रिज से ठंडा पानी पीने की आदत है, ठीक है ना? मुझे मटके का पानी पीने की आदत है, फ्रिज नहीं है। हाँ मजा कर रहे हैं आप, इतने बड़े इंजीनियर हैं, तो क्या घर में फ्रिज और एसी भी नहीं है? ना फ्रिज है, ना टीवी, ना वीसीआर, ना वॉशिंग मशीन। वही तो सोचा होगा, पहले इन सब चीजों को संभालने वाली घर में आ जाए, फिर खरीदेंगे, जैसे है ना? नहीं काजल, ये सब चीजें खरीदने की मेरी हैसियत नहीं है। तो फिर घर में है क्या? तुम्हें प्यार से देख सोई नहीं? तुम्हारे पैर थके नहीं? हाँ थके तो है। तुम्हारी नजर उतार ली? हाँ। मैं ठीक ना जीती ना? सिर्फ ठीक, तुमने तो अपने झूठे नाना का दिल जीत लिया। आओ पैर में लगा दूँ। अरे नहीं नहीं। अरे लगा लो, नहीं तो कल तक सूझ जाएंगे। अगर तुम पर मेरी जिम्मेदारी आ गई तो तुम तो मुझे जमीन पर पांव भी नहीं रखने दोगे। नहीं रखने दूंगा, इतना बड़ा दिल जो है। साफ साफ साफ, आपने कल बंसी बजाया? क्या बजाया, मैं भी पेटी सीखता हूँ, लेकिन मेरे पेटी में सिर्फ तीन सुर है, सा रे गा, बच्चों के लिए तीन सुर ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, तुम जल्दी नहाकर मंदिर आओ, जाओ। तुम बहुत अच्छी बंसी बजाते हो। धन्यवाद, आपको कल का कार्यक्रम अच्छा लगा? मुझे ही क्यों, सारे गाँव वालों को बहुत अच्छा लगा, बाबा ने तो संध्या की नजर भी उतराई। वो तो संध्या के नाना है। तुम्हें कैसे मालूम? ओह, संध्या ने बताया होगा। मैं इस मंदिर में पुजारी हूँ नंदू। मैं हरी। तुम एक दिन बहुत बड़े कलाकार बनोगे। धन्यवाद, अगर समय मिले तो देवी माँ का आशीर्वाद लेते हुए जाना। जी। साफ साफ, बच्चे को 300 ठीक है ना? तुम किसी और का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हो? मेरी सहेलियों ने जो महसूस किया वो बोल दिया, इसमें मेरी क्या गलती है? गलती यह है कि अपनी बदतमीज सहेलियों को अच्छी तरह जानते हुए भी तुमने उन्हें यहाँ आने की दावत दी। आज के बाद तुम्हारी कोई भी सहेली इस घर में नहीं आएगी, समझे? इसका मतलब तुम मुझे इस घर की चार दीवारी में कैद कर देना चाहते हो? ठीक है, मैंने ही तुमसे शादी करने की जिद की थी, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम मेरी आजादी छीन